नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत आज दिनांक 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में हो चुकी है, जिसमें आज डबरा सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों और तहसील डबरा के शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने सुबह शहर में प्रभात फेरी निकालकर आमजन को जागरूकता और स्वच्छता का संदेश दिया है। वहीं पर इस अवसर के मौके पर डबरा सिविल न्यायालय के प्रथम एडीजे सुशील कुमार त्यागी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विधिक सेवा आयोग भी लोगों को जागरूक करने ग्रामीण स्तरों पर विधिक सेवा शिविरों का आयोजन करेगा। वहीं लोक अदालतों का आयोजन भी विधिक सेवा द्वारा किया जाएगा। विधि सेवा द्वारा विभिन्न आयोजन आज दिनांक 2 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें डबरा में 14 अक्टूबर को एक मेगा लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा, जहां पर विवादों को सुलझाने और पक्षकारों में आपसी मध्यस्थता कराने जैसे प्रयास किए जाने हैं। सर, विधिक विभाग के साथ राजस्व के अन्य विभाग भी साथ में रहे, सर ये आयोजन किस तरीके का आयोजन है, कब तक ये चलेगा? सर, जैसा कि सर ने बताया आपको, ये आजादी के अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम है, ये 2 अक्टूबर से लेकर 16 नवम्बर तक सर ने बताया, और इसमें दैनिक कार्यक्रम भी है, मेगा कैंप और मेले का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में विधिक साक्षरता और अपने हितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सर, अनुवाग के कितने विभागों ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है? ये हमारे लगभग सभी विभागों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, शिक्षा विभाग, नगरपालिका, जनपद, ये सभी ने इसमें सहभागिता की है, और अभिभाषक संघ और समाज के और NGO वगैरह सभी प्रबुद्ध वर्ग सभी ने इसमें। सर, प्रभात फेरी में क्या संदेश दिया गया? और प्रभात फेरी में एक तो स्वच्छता का संदेश दिया गया, और महात्मा गांधी के जो राष्ट्रपिता थे तो उन्होंने उनके जो जीवन मूल्य थे उसके बारे में संदेश दिया गया है, और अपने विधिक अधिकारों के ऊपर गांधी जी का यही विषय था, उन्होंने अपने विधिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो ये बहुत बड़ा संदेश है, उनका जीवन ही एक बहुत बड़ा संदेश है। ठीक सर, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर विधिक सेवा ने ये जो आयोजन किया है, किस तरीके का आयोजन? ये अमृत महोत्सव जो हमारे न्यायाधीश महोदय समिति और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जो हमारे महात्मा गांधी जी चाहते थे हमारा देश किस रास्ते पर चले, उन सारे उनके जो इच्छाओं के अनुरूप ये अमृत महोत्सव 14 तारीख से 16 तारीख तक जो है कराया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, इसमें हमारे अभिभाषक संघ के सभी सदस्य और अन्य विभागों के सभी सदस्य पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक अच्छा संदेश देकर हमारे शहर में। ठीक है सर, आज ये जो 2 अक्टूबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके का आयोजन है? ये आयोजन पूरे भारतवर्ष में नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मनाया जा रहा है, और ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और आज से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न गांवों, शहरों, कस्बों, मोहल्ले, स्कूलों, जेल आदि में शिविर लगाए जाएंगे, और उनके माध्यम से लोगों को कानून की जानकारी दी जाएगी, और अनावश्यक लिटिगेशन को रोकने के लिए मध्यस्थता लोक अदालतों के फायदे बताए जाएंगे, जिससे अनावश्यक लिटिगेशन कामों और वाद कार्यों को फायदा मिले, आम जनता को अपने अधिकारों की जानकारी हो, इसके लिए मेगा कैंपेनिंग शासन और नवाज सचिवों को शुरू की गई। सर, आयोजन कितने दिन चलेंगे? ये आयोजन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक है, समापन 14 नवंबर तक। प्रत्येक जिले में इसके लिए एक मेला लगेगा, वृद्ध मेला का भी आयोजन किया जा रहा है, जो अपने ग्वालियर जिले में पूर्वा तहसील भीतरवार में आयोजित किया जा रहा है, 14 नवंबर को मेगा मेला लगेगा।